इंडियन आर्मी मिलिट्री स्कूल रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, मिलिट्री स्कूल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आपके लिए आ चुका है। 10वीं पास वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अलग अलग पदों पर ये आपका रिक्रूटमेंट निकला गया है, तो इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, अलग अलग एज क्रिटेरिया क्या होगा, सलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आगे आने वाले आर्मी के हर प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी, चाहे वो सिविलियन का कोई रिक्रूटमेंट हो सेना में या फिर इंडियन एयरफोर्स का सिविलियन रिक्रूटमेंट हो, सभी राज्यों के रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की डायरेक्ट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा लेटेस्ट जॉब, और लेटेस्ट जॉब में मैं आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे ऊपर आप देख लीजिएगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रिक्रूटमेंट 2021 ग्रुप सी के लिए 10वीं पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसीज निकली है। और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और यहां पर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताऊँ, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। अगर आप भी सेना की तैयारी कर रहे हैं, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए सेना में पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन, जो बार बार पूछे आने वाले क्वेश्चन, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर आपको आपके लिए आ चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं और इसकी रेट मार्केट में 200 रुपए है, लेकिन हम आपको 50% छूट के साथ मात्र आपको 99 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर्स की जो फ्री PDF है वो भी आप यहां से ले सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड करके इन सभी जो चीजों का फायदा आप ले सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो ग्रुप सी के पदों पर रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें आपकी सबसे पहले वैकेंसी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, उसके साथ ही माली की वैकेंसी है MTS की, सफाई वाला की वैकेंसी है, वॉशरमैन की वैकेंसी है, मसाल्स की वैकेंसी है, और टेबल वेटर है उसकी भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में आई है, जिसकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंडर में ये आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके, ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है और वो भी 45 दिन के अंदर अंदर। कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। सबसे पहले मैं बता देता हूं इसके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 2 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिटी अजमेर राजस्थान के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेटों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, सुनहरा मौका यहाँ पर आया है। अब अलग अलग बताएं तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। माली MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास, सफाई वाला के लिए भी 10वीं पास, वॉशरमैन के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ ही मसालसी के लिए 10th पास होना चाहिए, टेबल वेटर के लिए भी 10वीं पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज क्रिटेरिया की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी एज 21 साल से लेकर 35 साल होनी चाहिए, उसके अलावा SC ST को 5 साल की, जबकि OBC को 3 साल की आयु में छूट दी जाएगी। माली के लिए आपकी एज है, माली, सफाई वाला, वॉशरमैन, मसालची और टेबल बॉय, इन सभी के लिए आपकी जो एज क्रिटेरिया है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक होना चाहिए। बल्कि दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप इस भर्ती के लिए 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग आप यहां पर देख सकते हो आपका जो पे मेट्रिक आपको कितना मिलने वाला है, और यहां पर आप अपना सिलेबस भी देख सकते हो। दोस्तों रिटर्न बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और रिटर्न में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप पूरी जानकारी डिटेल्स यहां देख पाएंगे। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और यहां पर इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे भरना है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां से आप डायरेक्टली फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा,
जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहीं पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर ऑफलाइन सभी फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।